हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपना गार्डन टूर भी करवाती हूँ और वर्क भी बताती हूँ कि मैं आज कितना सारा काम कर रही हूँ, कुछ एक्सचेंज कर रही हूँ प्लांट। ये मेरा मधुकामनी का फ्लावर है दोस्तों, जिसमें कलियाँ बनी थी और आज इसमें इतने सारे फ्लावर खिल गए हैं, सारे देख सकते हो आप। और इतनी खुशबू है इसमें, और इतनी इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशबू है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा ओवर भी करवाती हूँ और काम आज दोस्तों देख सकते हो आप। एक्सोरा का फ्लावर कितनी अच्छी तरह से ब्लूम कर रहा है, पूरी तरह से ब्लूम कर रहा है ये, डे बाय डे और ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है। और इसमें भी देखो आप कितनी अच्छी तरह से इसमें कलियाँ तैयार हो रही हैं और फ्लावर खिलने को है ये। और तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ थोड़ा सा, और देख सकते हो आप यहाँ पे। और मैंने दोस्तों जो काम करना है वो आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो दोस्तों मुझे ये दिखाना था कि ये जो प्लांट है मेरा जेरेनियम का है, इसको रिपोर्टिंग करने को हो रखी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सॉइल मीडिया है, इसमें जड़े जड़े ऊपर आ रखी है और अब ये बोल रहा है प्लांट की मुझे रिपोर्ट करो। और मैंने इसको रिपोर्ट करना है और उसके बाद मैंने दोस्तों ये जो सारे प्लांट जेरेनियम के हैं ये टेरेस पे रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं और ज़्यादा जो इंडोर प्लांट है वो यहाँ रखूँगी और जो ये फ्लावरिंग वाले ये जेरेनियम जैसे है। और साल्विया को मैं यहीं रखूँगी क्योंकि इसको बारिश ज़्यादा पसंद नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको हमने इंडोर मतलब शेडी ऐसे धूप में रखना है, लेकिन बारिश का पानी से इसके जो फ्लावर्स है पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। पानी के साथ पानी दो आप इसको, लेकिन ऊपर से इसकी जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती है उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो यही मुझे अभी मैं इन सबको शिफ्ट करूँगी और इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और थोड़ा सा मैं और बताती हूँ, देख सकते हो आप मेरे कुछ टेरेस पे प्लांट हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितने भी मेरे जेरेनियम के दोस्तों, मुझे लग रहा है मैक्सिमम ये सारे ही रिपोर्ट करने को हो रखे हैं। यहाँ पे वाटर नहीं दे पाई मैं, इनको पानी नहीं दे पाई अच्छे से, तो अभी मैं इनको पानी भी दूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो थोड़ा सा ऐसे सोचा मैंने कि आप ये मैंने दोस्तों इसमें लगाया था, लेकिन ये शायद ख़राब हो गया है, ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं रहा है, शायद इसको हवा भी नहीं मिल पा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें स्पाइडर प्लांट को जो नहीं चल पा रहा है। और ये तो मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, सम ऑफ इंडिया देख सकते हो आप। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे जो जेरेनियम के फ्लावर हैं यहाँ पे, इन सबको मुझे क्या करना है, रिपोर्ट करना है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे बेबी सनरोज भी है और विनका भी है, और मैक्सिमम मेरे यहाँ पे जितने भी प्लांट है दोस्तों ये जेरेनियम के ही, जिनको मुझे रिपोर्ट करना है। तो इनको रिपोर्ट करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी हुई है, देख सकते हो आप, और वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाया हुआ इसके लिए, ताकि जो हमारा पानी भी ड्रेन हो जाए और इसमें रुके भी नहीं। और देख सकते हो आप ये सारे प्लांट की मैंने अभी रिपोर्टिंग की है। तो मैं ऐसे इनको टेरेस पे शिफ्ट कर रही थी, लेकिन अब मैं इनको स्टेयर पे शिफ्ट कर रही हूँ अपनी। आप देख सकते हैं मैं टेरेस से भाग के आई तो कैसी सांसें भी फूली हुई है। तो ये मेरे जेरेनियम की कलेक्शन थी, और भी है मेरे पास जेरेनियम की कलेक्शन है, और मैंने आज बच्चे भी लगा के रखे हैं अपने काम पर। और आप देख सकते हैं, चलो मैं और करके बताती हूँ आपको। दोस्तों मैंने अभी अभी पर्सलेन की कटिंग लगाई, आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने कट करी बहुत सारी। आज मैंने बहुत सारा काम किया दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने कौन कौन सा काम किया, कैसे करके किया। तो मेरे पास मैं ही थी खुद, तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने आपको करके बताया। ये देख सकते हो आप, अभी जस्ट मैंने ये इसकी कटिंग लगाई है अभी अभी, इतने सारी ये मेरा एक और प्लांट हो जाएगा तैयार। और इसमें भी मैंने कुछ एक कटिंग इसमें ओपन और ही ऐसे इस तरह से लगाई है, और वैसे डिप करके मैंने सारे ही लगाई हुई है, देख सकते हो आप। इसमें भी मैंने अभी अभी जस्ट ये इस तरह से कटिंग लगाई हुई है, और ये मैंने सारे में ही लगाई हुई है, देख सकते हो आप। कुछ और दिखाती हूँ, पर्सलेन के इतने प्यारे प्यारे से फूल होते हैं, देख सकते हो आप। इस तरह से आप मल्टी बथेरे बहुत सारे प्लांटर तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने तैयार की है। और इस तरह से क्या करना है, आपने इसके 5-6 लीव्स निकाल देनी है नीचे नीचे से, और उसके अंदर उसके बाद आपने मिट्टी में डिप कर देना है। तो जो जेरेनियम की मैंने जो रिपोर्टिंग करी थी वो मैंने इस तरह से स्टेयर में लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। इस तरह से मैंने स्टेयर में सारे ही लगा दिए ये, और एक एक मतलब अलग अलग उसमें, और किसी में सेम दो दो कलर भी है इसमें, अलग अलग कलर भी है किसी में। और इस तरह से मैंने ये लगा दिए हैं, और एक और मैंने काम किया है आज दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने जो मेरी ये टर्टल वाइन थी, इसमें देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा रूट्स हो रखी है। मैंने दूसरी साइड नीचे को लगाई थी और हैंगिंग में लगाई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने अब ये क्या कर दी, स्टेयर पे लगा दी है, देख सकते हो। दूसरी साइड तो मेरी बहुत ही बड़ी है, देख सकते हो कितनी अच्छी। यार दोस्तों मैं थक गई बहुत सारा काम कर करके, आप लोगों को दिखाया भी नहीं, और टेरेस पे दिखाती हूँ। दोस्तों इतना सारा टाइम हो गया और टेरेस के पे मैं पहुँच गई, और टेरेस पे मैंने बहुत सारे प्लांटर लगाए हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे नीचे से बहुत सारे प्लांटर शिफ्ट करे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से किए हैं मैंने, और ये देख सकते हो आप इधर भी मैंने, और अब इनको पानी देने को हो रखा है। मैंने नीचे अपनी फ्रंट वाली जो बालकनी थी वहाँ पे कुछ लगा के रखे थे, और ये तो मेरा स्टेयर पे था, इसको मैं टेरेस पे लेके आई हूँ। और ये मेरी कुछ कटिंग है, और ये भी मैंने
यहीं पे लगा के रखी है, देख सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारे प्लांटर है दोस्तों, मैंने यहाँ पे टेरेस पे लगा के रखे। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ दोस्तों। गार्डन जो गार्डनर होते हैं ना, उनके लिए जितने भी प्लांट होते हैं वो कम ही हो पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे गार्डन बहुत बड़ा हो जाए। अब मैं इस टाइम सच में थकी हुई हूँ, स्टेयर से आई हूँ, सुबह से लगी हूँ काम करने, और अभी भी मतलब बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। और मैं दोस्तों बीच बीच में ये काम करती हूँ। आज मुझे लग रहा है वीडियो शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है। और देख सकते हो आप यहाँ पे, अभी दोस्तों मुझे बहुत सारा काम करने का है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और मेरे यहाँ स्लाइडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे, मैंने यहाँ सोचा था कि मैं नीचे करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पर। तो जिसकी वजह से मुझे अपना गार्डन टेरेस पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, और फ्रंट और मेन बालकनी जो है वहाँ पर तो वैसे ही रखा है मैंने। तो आई होप दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कोशिश, ये वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।